हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2023 है, उसके रिजल्ट्स चाहे वो शिक्षक के हों, सहायक शिक्षक के हों या व्याख्याता के हों, कब तक जारी हो सकते हैं और क्या कुछ खबरें चल रही हैं उसके बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे 14,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके कुछ समय पहले जो है अपडेट आई हुई थी कि विभाग ने उसकी जानकारी मंगाई हुई है। तो क्या सच में 14,000 शिक्षकों की भर्ती अब बहुत ही जल्द निकलने वाली है या फिर बात कुछ और है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं और जिसमें सहायक शिक्षक की आज अंतिम तिथि है दावा आपत्ति जमा करने की। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो उस पर दावा आपत्ति जरूर कीजिएगा। और वैसे भी सुनने में इस प्रकार की खबरें आई हैं कि सहायक शिक्षक के जो मॉडल उत्तर हैं उसमें काफ़ी सारे उत्तरों को जो है गलत लिया गया है। तो जो भी आपके पास प्रामाणिक उत्तर हैं तो उसके प्रामाणिक उत्तर और प्रमाण के साथ आप लोगों को उसको जमा करना है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि जैसे सबको पता है सिर्फ 3-4 दिन में ही उसका मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया था। यानी इससे स्पष्ट है कि विभाग को कितनी जल्दी है, गवर्नमेंट को कितनी जल्दी है इसका रिजल्ट निकालने के लिए और इसकी भर्ती जो है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ महीनों में आचार संहिता लग जाएगा। तो खबरें इस प्रकार की आ रही हैं कि जो व्याख्याता की का जो रिज़ल्ट है, मैंने टेलीग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट भी किया हुआ था कि अब बहुत ही जल्द जो है व्याख्याता के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते, जो कि आज से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में कभी भी जो है व्याख्याता का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 3 दिन में मात्र मॉडल उत्तर जारी किया गया था, चूँकि उसमें कैंडिडेट भी कम थे और उसमें दावा आपत्तियों की संख्या भी कम गई हुई है, तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए। शिक्षक के रिजल्ट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेजेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो शिक्षक का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि दावा आपत्ति की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स ने उसका एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो थोड़ा सा अभी समय हो सकता है कि 15 जुलाई तक उसका डेट जा सकता है रिजल्ट आउट होने का। और अगर सहायक शिक्षक की बात करें तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक सहायक शिक्षक का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। मैंने पहले ही अपडेट आपको दिया था कि विभाग के द्वारा जो विभाग के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि लगभग लगभग 15 अगस्त के आसपास से पोस्टिंग देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 15 अगस्त तक जो है इसकी पोस्टिंग करना भी शुरू किया जा सकता है। तो इस वजह से भी भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ रफ्तार के साथ किया जा रहा है। तो ये हुई रिजल्ट की बात कि रिजल्ट लगभग कब तक जारी हो सकते हैं। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है रिजल्ट से संबंधित अपडेट व्यापम पर देखने को मिल सकता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब दोस्तों बात करते हैं 14,000 शिक्षक भर्ती की। तो मैंने लगभग एक महीने पहले ही आपको ये अपडेट दिया हुआ था कि एक लेटर जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने सभी जितने भी संभाग हैं, चाहे वो दुर्ग संभाग है, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, सभी से जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी मंगाई गई थी। और उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ था कि ये जो जानकारी है शिक्षक भर्ती करने के बारे में इस लेटर को जारी किया गया है, यानी कि जो जानकारी मंगाई गई थी रिक्त पदों की उसका भर्ती में इस्तेमाल किया जाना था उन आंकड़ों का। और स्पष्ट तौर पर इसके बारे में जिक्र किया गया था कि शिक्षक भर्ती के लिए ही इस लेटर को जारी किया गया है। तो आने वाले समय में और शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, ये बिल्कुल तय बात है। और ये भर्तियां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ भी भर्ती नहीं हो रही है। अभी जो भर्ती है वो सिर्फ सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए हो रही है। तो सभी संभागों के लिए आने वाले समय में भर्ती आएगी, लेकिन ये कितनी जल्दी आएगी इस पर जो तथ्य हैं वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विभाग के द्वारा ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि कब तक भर्ती हो सकती है। लेकिन बहुत ही जल्द हो सकता है, इसके लिए आप लोगों को ऑफिशियली कुछ घोषणाएं या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आप सभी को पता है, आचार संहिता कुछ महीनों में लग जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी कि एक या दो महीने में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ये लगभग नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अभी एक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया के दौरान दूसरी भर्ती उसी विभाग से उन्हीं पदों के लिए निकालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कुछ महीनों के बाद इसके लिए अपडेट देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि चुनावी मौके को भुनाने का प्रयास इसमें किया जा सकता है
कि आने वाले समय में जब गवर्नमेंट फिर से जीत करके आएगी तब इसके लिए भर्ती निकाली जाएगी, इस प्रकार के कुछ वादे हो सकता है किए जा सकते हैं। फिलहाल ये बात की बात है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके लिए भर्ती जारी होना लगभग नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ें जब भी अपडेट आएगी ऑफिशियली, आप लोगों तक तुरंत इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। लेकिन कुछ महीनों में इसकी भर्ती होगी ये लगभग तय है, तो आप लोग अभी इस ये जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला, उसके पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं, ताकि आने वाली जब भी भर्ती, जब भी वैकेंसी आए तो तनिक भी उससे ना चूकें आप। क्यों, जो भी आपकी कमी इस वैकेंसी में रह गई है, आपके कुछ नंबर कम आ रहे हैं या किन्हीं वजहों से कुछ नंबर कम आ रहे हैं, उन वजहों को आप दूर करने का प्रयास कीजिए और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए जो है अपनी तैयारियां कीजिए, और व्यापम का जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। जिस विषय में आप पिछड़ रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है या अंग्रेजी है, जो भी विषय आपको परेशानी में डाल रही है, उस विषय पर अच्छा कमांड बनाइए, अभी समय है, ताकि जब भी आगे वैकेंसी आए, चाहे जब भी परीक्षा हो, तो उसमें कोई भी गुंजाइश ना हो कि वो वैकेंसी आपके हाथ से चली जाए। तो ये थी अपडेट 14,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, और जब भी इसकी ऑफिशियली कोई भी जानकारी आएगी आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।